दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आशा करता हूँ आप सब पहले से ठीक होंगे। और मैं आज आया हूँ, कल बता दूँ कि आप लोगों को मैंने कल जम्मू तवे का जो बाजार था उसी को मैंने दिखा पाया है। तो मेरा अब सोच वहीं से चेंज हो गया है और मैं आया हूँ अभी माँ वैष्णो देवी की यात्रा, और मैं हूँ होटल में अभी जो लॉज कहा जाता है दोस्तों, अभी मैं लॉज में हूँ। अभी लॉज से मैं माँ वैष्णो देवी के चरणों पर दर्शन कर लिए जा रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि अभी मैं जम्मू में ही हूँ, माँ वैष्णो देवी मंदिर जा रहा हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होगा दोस्तों वो मेरा माँ वैष्णो देवी मंदिर का होगा। दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, और मैं बता दूँ कि आज मैं माँ के चरणों में आया हूँ, तो मेरे लिए आज कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को भी आज का जो माँ वैष्णो देवी मंदिर आप कभी आए हो तो आए हो या नहीं हो दोस्तों, तो आप मेरे ब्लॉग वीडियो में आप देखना कि माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो आज आप लोगों को मैं मेरा ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलो हम माँ वैष्णो देवी के और चलते हैं। तो चलो ऐसे करके हम लोग गली निकल चुके हैं दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, और हम लोग निकलेंगे बस स्टैंड, बस स्टैंड से फिर माँ वैष्णो देवी के लिए पैदल ही आज चलेंगे मेरे साथ। दोस्तों आप लोग बता दूँ कि आज पैदल का सफर होगा, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलो यार हम लोग गली गली चल रहे हैं, अभी हम लोग निकलने वाले हैं बस स्टैंड, बस स्टैंड में देखते हैं। चलो यहाँ से बस स्टैंड भी दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कितना मज़ा आने वाला है आज माँ वैष्णो देवी के चरणों में मैं जाके पूजा करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि आप आज का मेरा ब्लॉग में आप लोग मुझे पूजा करते हुए देखोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे की ओर चलते, हम लोग बस स्टैंड निकल चुके हैं आप देख सकते हो, और ये है माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ यहाँ पे है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। आप लोगों को मैं बता दूं कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर अभी मैं जाऊंगा, और ये है हमारे जम्मू का जो बस स्टेशन है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि ये जम्मू का बस स्टैंड है, और ये जम्मू का बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ के जो होटल से वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आके रह चुका दोस्तों, और मैं होटल में रहा था। आप लोगों को बता दूं कि मैं भी रात को होटल में ही ठहरा हुआ था। तो चलो हम लोग मिलते हैं दोस्तों आगे से। मैं खाना तो नहीं खा सकता हूँ, लेकिन मैं अमूलकूल ले लूँगा यहाँ दुकान वाले भैया से। भैया मुझे अमूलकूल आप दे सकते हो? तो आप यहाँ देख सकते हो कि भैया के दुकान से अभी मैं अमूलकूल लेने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं खाना नहीं खाऊँगा जब तक माँ का दर्शन करके ही आके मैं खाना वाना कुछ खाऊँगा तो खाऊँगा दोस्तों। इसलिए अभी मैं यहाँ से कुछ अमूलकूल ले जाऊँगा, ताकि मुझे चढ़ाई में पानी भी पीना ना पड़े, अमूलकूल पी लूँगा मेरे दोस्तों। आप लोगों को बता दूँ आप भैया आपका नाम क्या है? मिस्टर अजय कुमार, आप देख सकते हो भैया दोस्तों, आप लोग मेरे ब्लॉग में जो है ये मिस्टर अजय कुमार है, और इनके दुकान से मैं अभी लेना हूँ वाला हूँ अमूल फूल। भैया अमूल फूल देना मुझे ज़रा, आप यहाँ आप देख सकते हो अभी मैं चढ़ाई के टाइम में इसको लेके चढ़ूंगा दोस्तों, ताकि मुझे खाने में जो कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं आज खाना दिन भर नहीं खाऊँगा। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे से मिलते हैं। अच्छा अच्छा आओ जी साइड में चलो, रुको रुको। सही करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ माँ वैष्णो देवी की आगे चढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दो कि जो यहाँ पे आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा है, और जो यहाँ मेरे साथ जो चल रहे हैं वो एक हमारे हिंदुस्तानी सर है, जो कि एक फौजी है, आप देख सकते हो मैं एक फौजी के साथ में चल रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा कि हाँ, जो आप लोगों को फौजी भाई के साथ चल रहा हूँ, जो यहाँ के गार्ड्स करते हैं भाई, जो यहाँ कश्मीर में है। तो आप लोगों को बता दूँ माँ वैष्णो देवी के मंदिर में शायद वो नहीं जा सकते, लेकिन उनके साथ अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ उनसे बातें करते हुए दोस्तों। तो हम लोग फिर आगे से चल के मिलते हैं, ठीक है? तो बता दूँ दोस्तों अभी मैं जो हूँ कश्मीर के माँ वैष्णो देवी के रास्ते जाने वाले रास्ते में मैं चल रहा हूँ, और मैं पैदल आज का जो ब्लॉक है वो मेरा आज पैदल कर रहा हूँ। तो दोस्तों बता दूँ कश्मीर जो है काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों, आप लोग भी आए होंगे कश्मीर, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। तो चलो दोस्तों हम लोग इंजॉय आज जो है माँ वैष्णो देवी के मंदिर से करते हैं, ठीक है? देख सकते हो फौजी भाई लोग भी आ रहे हैं मेरे साथ में। चलो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज बहुत अच्छा लगने वाला है। चलो मेरे भाई लोग आगे चल रहे हैं,
मैं भी आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम लोग आधा रास्ता तो सफर कर लिए हैं। अब हम लोगों का जो आधी रास्ते बाकी है वो अब हम लोग देख सकते हो। आप लोग जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर है, तो हम लोगों को अभी ट्रेवल करके पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप लोगों को आज मजा आएगा। ऐसे ही करके दोस्तों आप मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा जय माता दी। ठीक है, तो जय माता दी का नारा लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर आया हूँ, तो जय माता दी का नारा जपना मेरे लिए रोम रोम में एक अद्भुत सा शक्ति देगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज को आप लोगों को भी मेरे साथ में जय माता जी का जो नारा है वो नारा आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों को मेरे साथ बोलना पड़ेगा क्या, प्रेम से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, जो काफी मजा आते हैं आज के दिन में। और मेरा दिन आज काफी अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों को बता दूं कि माँ वैष्णो देवी के चरणों में जो भी आता है उसका दिन अच्छा ही चलता है। तो हम लोग अब आगे से भी कुछ शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं, जो है यहाँ वहाँ का जो नजारा है उसमें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो हवा, जो यहाँ का वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ जो आप लोगों को मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों आप लोग यहाँ भी कभी भी आते होंगे माता यात्रा में, तो आप लोगों को कैसा लगता होगा, आई मीन कैसा फील होता होगा एक भीतर मन से, आप मुझे कमेंट्स में बताना दोस्तों कि कौन कौन माता यात्रा में आया है। ठीक है, तो माँ वैष्णो देवी के चरणों में कौन कौन आया है दोस्तों, वो आप मुझे ज़रूर बताना। चलो दोस्तों साहिब, हम दुकान से हम लोग डंडा ले लेते हैं, जो कि मुझे यात्रा करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। भैया यहाँ से डंडा मिलेगा ना, तो यहाँ से जो डंडा ले रहे हैं भैया दिखाए हैं हमको, ये डंडा है जो कि हमको ऊपर चढ़ने में काम आएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दो कि आज जो मज़ा आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो भैया यहाँ पे कितना मज़ा है। और यहाँ देख सकते हो ऊँचे ऊँचे घोड़े हैं, जो कि यहाँ पे जो माता के यात्री के लिए आते हैं, सफर के लिए आते हैं, उन लोगों का चढ़ाई के लिए ये घोड़े हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये घोड़े काफ़ी अच्छे दिखते हैं और काफ़ी बड़े भी हैं साइज में, तो आप यहाँ देख सकते हो शायद कौन कौन मेरे घोड़े में चढ़े होंगे। दोस्तों आप बताओ कि कमेंट में मुझे आप लोग कौन कौन घोड़े में चढ़े हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अब माता यात्री की, और आगे से ही हम लोग पूरा सफ़र करने वाले हैं। और बता दूं कि अभी आप लोगों को कि मेरा अभी सफ़र जो है बहुत लंबा चढ़ाई चढ़ना है, तो चलो आप लोग मेरे साथ बने रहो। जैसे आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी मैं लंबा टूर चढ़ने वाला हूँ और काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। आप मेरे बैकग्राउंड साइड में यहाँ देख सकते हो कि माता का जो मंदिर है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं आज चढ़ाई में मज़ा आने वाला है मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी घर में पूजा करते होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा पूजा करना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बचपन से ही पूजा करता हूं, और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और एक बात बता दूं कि पूजा करना कोई गलत चीज़ नहीं, पूजा करना एक अच्छी बात है, आपका मन जो है वो हमेशा चंगा रहता है। दोस्तों आपको बता दूं किसी भी टेंशन का आपके पास होता है, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं पूजा करना अच्छी बात है, तो आप लोग कोई भी जात के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, आप कोई भी जात के हो, लेकिन अपने मजहब का जो है आप विनती करते हो वो दिन में एक बार आप ज़रूर करना, क्योंकि ये करने से आपका मन चंगा रहता है। दोस्तों चलो हम लोग अभी फिर बहुत देखना है जगह और बहुत जगहों पे घूमना है। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर घूमते घूमते चलते हैं आगे से हम। प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, मिलके बोलो जय। तो दोस्तों आज मैं भी यही नारा लगाते हुए जा रहा हूँ जय माता जी करके, तो आप लोग भी लगाओ यार, कौन कौन है मेरे साथ माँ वैष्णो देवी को जो चाहते हैं, जो माँ वैष्णो देवी के भक्त है। और मैं तो ये बात बता दूँ कि मैं माँ वैष्णो देवी का तो भक्त हूँ ही हूँ, वैसे मेरा भक्त मैं भोले बाबा का भी भक्त हूँ, तो उसी वजह से आज मैं भोले बाबा को भी यहाँ मिलने आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं भोले बाबा का यहाँ जो चरण में है माँ वैष्णो देवी की, इस चरण में आज मैं काफ़ी अच्छा से चढ़ाई करने वाला हूँ, जब माँ वैष्णो देवी ने मुझे बुलाया है। तो बस तो आगे से चलते हैं और हम मेरा ब्लॉग जो है उसको अच्छे से पूरे करते हैं। आज का जो ब्लॉग होगा
मुझे लगता है आप लोग मेरा ब्लॉग जो है उसे आप लोग शेयर नहीं करते हो दोस्तों, मुझे ये बात थोड़ी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग मेरा वीडियो जो है उसको शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मेरा जो कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग, कमेंट्स में बताओ यार वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, तभी तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा। दोस्तों ऐसे ही बता दूँ कि जो माँ यात्रा है आज आया हूँ मैं, कभी नहीं आया था वो, आज मेरा पहली बार है जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा आया हूँ मैं। बता दूँ आप, माँ वैष्णो देवी का यात्रा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही करके अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर नीचे से फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे लगता है कि आज मैं भी ब्लॉक करते हुए थक जाऊंगा, क्योंकि आज ट्रैवल करना है दोस्तों, एडवेंचर में चढ़ने से कम नहीं है। यहाँ का जो पहाड़ है आप लोगों को बता दूँ, यहाँ का जो पहाड़ है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो जो मंदिर है यहाँ पे, ये माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है बाग के मुख के अंदर है, ठीक है। जो मंदिर है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हो बाग के मुंह में अंदर है मंदिर। और यहाँ जो दुकानें हैं वो सब माँ यात्रा के, माँ वैष्णो देवी के सामानों से ही भरे हुए हैं। तो ऐसा बता दूँ यहाँ जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और यहाँ जो मुझे मिल रहे हैं लोग बातें करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोगों को मैं एक दो लोगों से बातें कराना चाहूँगा। द्वार है यहाँ जो बड़ा सा गेट है वो काफी खूबसूरत है दोस्तों, और माँ वैष्णो देवी के यात्रों के लिए ही है ये सब फैसिलिटियाँ। लो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, गुरुवारुकुमिव वंदनं मृत्यो माम रिता। तो दोस्तों आप लोगों ने कौन कौन ये मंत्र जपे होंगे आप मुझे बता सकते हो? तो ये मंत्र जपना काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग भी ये मंत्र जपते रहो दोस्तों। आप दिन भर जपो, दिन भर में दो तीन टाइम तो आप लोग जप सकते हो, कि क्योंकि ये जो मंत्र जप है वो काफ़ी अच्छा है। कोई भी किसी दिन आएगा तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से आना। आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि कभी भी आओगे आप माता के यात्रा में तो आपका यात्रा सफल हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आगे से, जो कि आज काफ़ी मज़ा आने वाला है मेरे साथ, और माँ वैष्णो देवी का शायद आप लोग भी आज दर्शन कर पाओगे दोस्तों, और क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है आज बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, जो भीड़ का लोग है यहाँ, जो भीड़ का तादाद है वो बता दूँ कि बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ के लोग जो है कहने में आए हैं कि अभी तो फिलहाल ही में भीड़ बहुत ही कम हुआ है, तो चल के क्या करते हैं, फिलहाल भीड़ तो है वैसे, हम लोगों को तो चलना पड़ेगा ही दोस्तों, कि कैसे। चलो अब हम लोगों को आगे का भी काफ़ी सीन देखना है और काफ़ी सीन को मज़ा भी लेना है ना।
पहुंच गए, इससे और आगे चढ़ाई करनी है हम लोगों को, ताकि आगे चढ़ाई करते हुए हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आज खाली पेड़ ही चल रहा हूँ आप लोगों को दिखा, और जाने के टाइम में खाली ही करना पड़ता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जब आप मंदिर जाते हो तो नंगा खाली पेड़ ही जाना चाहिए, कहीं भी मंदिर जाओ खाली पेड़ जाने से आपको अच्छा होता है। आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो यात्रा है वो काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों, और मेरे साथ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला होगा, क्योंकि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आवेश गुरुदेव जी मंदिर का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। ये बता दूँ कि आज का ब्लॉग में जो मैं दिखाऊँगा वो आप लोगों को काफ़ी खुश लगेगा, आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा माँ विष्णु देवी का ब्लॉग जो बंगाल से है, कुमार शाखा से, शायद आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्लॉग निकाला होगा। पहली बार मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों ब्लॉग, बंगाल का लड़का होके जम्मू में आके माँ विष्णु देवी का मंदिर से ब्लॉग निकाल रहा हूँ। साइड में आपको दिखेंगे यहाँ माताओं के जो है वो काफी अच्छा है दोस्तों। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं, तो बता दूं कि बहुत लंबा रास्ता है अभी, ये हमको बहुत ऊपर चढ़ना है भाई। जा कहाँ रहा है पता नहीं, मुझे अभी पूरा तू जा, ख्याल रखना अपना, ऊपर को जाना है, चलो ऊपर भी हम लोग मिलते हैं पहुँच के। शुभ समारोह मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, शुभ समारोह
भासित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं। We'll be right back.
नीचे और जाऊंगा दोस्तों माँ वैष्णो देवी के यहाँ पे, तो वहाँ चल के फिर आपसे मिलता हूँ मैं। जा रहे हैं दोस्तों माँ वैष्णो देवी के भवन। आप लोगों को बता दूं कि माँ वैष्णो देवी का भवन अभी मैं नहीं गया था, अभी जो मैं गया था वो हमारा थे भैरवनाथ बाबा देव का मंदिर में था। अभी मैं नीचे आ गया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ माँ वैष्णो देवी का भवन। तो दोस्तों माँ वैष्णो देवी का भवन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप लोगों को बता दूँ मैं आज का जो ये ब्लॉग है माँ वैष्णो देवी मंदिर तक ही मैं करूँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं माँ वैष्णो देवी का मंदिर। अरे यार आज का जो दिन है वो मुझे नंगा पैर चल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने आज जीवन का जो पाप किया था वो पाप मैंने सारा धो लिया है। दोस्तों आप लोगों को बताऊँ तो कि नंगा पैर जब आप कभी मंदिर चलते हो तो आपका क्या होता है उसमें बोलने से, आप एक मंदिर चलते हो तो नंगा पैर जाने से अच्छा होता है, ये मुझे मेरे मम्मा ने कहा था। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ अभी हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ के जो करीब में भी रह गए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लॉकर में जहाँ मैं अपने मोबाइल और बैग रख दूँगा ताकि आप लोगों को मैं माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ का नहीं दिखा पाऊँगा। दोस्तों आप लोग उसके लिए गुस्सा मत करना क्योंकि वहाँ पे कभी किसी को कैमरा अलाउ करने का इजाज़त नहीं दिया है। तो दोस्तों इसी वजह से आज तक जो यहाँ का ब्लॉक है उसे मैं आपको लॉकर थ्रू का ही दिखा सकता हूँ, उसके आगे चल के आप लोगों को मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। दोस्तों ये बता दूँ कि माँ वैष्णो देवी का जो है वो ही हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं तक का ही वीडियो दिखा सकता हूं और ये लोकर जो है यहां से आप मैं बैग रख के आप लोगों से बाद में मिलूंगा। ठीक है दोस्तों चलो मैं यहीं तक अपना वीडियो अंत करता हूं।